रानी मुखर्जी के बचपन का किरदार निभाने वाली वो बच्ची बड़ी और बेहद खूबसूरत हो गई है। 2005 में आई संजलीला भंसाली की फिल्म ब्लैक को खूब सराहा गया था। फिल्म में रानी मुखर्जी ने बेहतरीन अदाकारी का प्रदर्शन किया था। रानी ने मिशेल मकनाली नाम का किरदार निभाया था, एक ऐसी बच्ची जो ना देख सकती है, ना बोल सकती है और ना ही सुन सकती है। फिल्म में रानी के बचपन का किरदार आयशा कपूर ने निभाया था। फिल्म में बच्ची की एक टिंका बेल की तारीफ थी। इस फिल्म ने आयशा की किस्मत ही बदल दी थी। अब रानी के बचपन का किरदार निभाने वाली वो बच्ची बड़ी और बेहद खूबसूरत हो गई है। सोशल मीडिया पर आयशा कपूर की ग्लैमरस तस्वीरें छाई हुई हैं। ब्लू कलर की बिकिनी में योग करते हुए आयशा की फोटो वायरल हो रही है। इस तस्वीर में आयशा बेहद स्टनिंग लग रही हैं। वो काफी रिलैक्स मूड में नजर आईं। आयशा अभी 25 साल की हैं। आयशा का जन्म 13 सितंबर 1994 को हुआ था। अब वो एक एंटरप्रेन्योर बन गई हैं। अपने बिजनेस के अलावा वो न्यूयॉर्क में कोलंबिया विश्वविद्यालय में लिबरल आर्ट्स की छात्रा भी हैं। ब्लैक के बाद आयशा ने पढ़ाई के लिए बॉलीवुड से ब्रेक ले लिया था, लेकिन बॉलीवुड से दूर होते हुए भी वो सुर्खियों में रही। आयशा का नाम शाहिद कपूर के भाई ईशान खट्टर के साथ भी जुड़ चुका है। आयशा के ईशान खट्टर संग रिलेशन में होने की चर्चा में रही थी। बता दें कि ब्लैक में पावरफुल परफॉर्मेंस के लिए आयशा की खूब तारीफ हुई थी। उन्होंने फिल्म फेयर अवार्ड, जी सिने अवार्ड और आईफ अवार्ड समेत कई सारे अवार्ड जीते थे। बाद में आयशा 2009 में फिल्म सिकंदर में नजर आई थी। इसके अलावा आयशा के फिल्म पानी में होने की भी खबरें हैं। हालांकि फिल्म को लेकर ये भी रिपोर्ट है कि मूवी ठंडे बस्ते में चली गई है।